नमस्कार दोस्तों, बीसी भावना कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका स्वागत है। ये जो अभी क्या बारिश का समय चालू हो गया है, तो बारिश के दिनों में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके घरों या छतों में पानी लीकेज होता है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपको जानकारी दूंगा। जयपुर सिटी में तो ये क्या रेलवे के पुराने क्वार्टर है, ये देख सकते हैं आप। ये क्वार्टर क्या काफ़ी पुराने बने हुए हैं, तो इन क्वार्टर पर क्या है, बारिश का टाइम आ रहा तो पानी लीकेज हो रहा छतों में, तो उसी का क्या हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो छतों में जो बारिश का पानी गिरता है वो क्या लीक होता है अंदर छतों में, तो उसी का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि भाई ये पानी रोकना है। तो उसके लिए हमको आगे इंजीनियर साहब ने जो सॉल्यूशन बताया उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक समझा देता हूँ कि ये जो छत नज़र आ रही है आपको, इस छत पर क्या है, सीमेंट का गोला था पहले के टाइम पे, बहुत जब ये क्वार्टर बनाए होंगे शायद उसी टाइम का था। कितने अंदाजन ये कम से तकरीबन 20-25 साल पुराने क्वार्टर बने हुए हैं, तो इन क्वार्टर पे क्या सीमेंट का गोला किया हुआ था और इन्होंने इसमें पानी लीकेज हो रहा है। तो पानी लीकेज होने पे उस सीमेंट के गोले पे क्या है, वाटर प्रूफिंग की हुई है। वाटर प्रूफिंग कैसे की हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको जाली नज़र आ रही है, ये देखिए, ये आपको जाली नज़र आ रही है, ये पहले इस सीमेंट का जो पुरानी छत थी उस पर जाली बिछी है। जाली बिछाने के बाद क्या किया इस पर कि वाटर प्रूफिंग की हुई है, वो जो अलग से की हुई है, पहले वाटर प्रूफिंग की हुई है, फिर इसमें सीमेंट के पानी, सीमेंट का पानी करके उसके साथ वाटर प्रूफिंग मिला के इस जाली को बिछा के इसके ऊपर सीमेंट का पानी ऐसा वाटर प्रूफिंग की है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि स्विमिंग पूल में जैसे वाटर प्रूफिंग करते हैं सेम वैसे ही इसमें वाटर प्रूफिंग की हुई है। तो ये जाली वाटर प्रूफिंग करके जाली बिछा के गया है। ये जाली बिछाने के बाद इसके ऊपर हमने गिटी करना स्टार्ट किया। तो ये जो आपके सामने देख रहे हैं, देखिए अभी लाइव गिटी कर रहे हैं, ये गिटी हो रही है इस पर, और गिटी की साइज है 4 mm और 8 mm, बारीक वाली गिटी यूज हो रही है। और जैसे छत भरते हैं वैसी गिटी नहीं है, ये छत में भरई में 4 से 6 इंच तक गिटी होती है। जैसे कि आमतौर पर मकानों पे जो गिटी होती है वो 4 से 6 इंच होती है, मगर ये थिकनेस में 2 इंच की गिटी है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये जो गिटी आपके सामने दिख रही है ये 2 इंची ऐसे मोटी गिटी की हुई है इस छत में, और गिटी जो है वो बारीक है। तो इसको हमने इंजीनियर हमको फॉर्मूला देता है कि आप 6 गमेला भर के गिटी लीजिए, 6 गमेला भर के बड़ी गिटी लीजिए, 8 mm वाली 6 गमेला भर के छोटी गिटी 4 mm वाली, और 1 बैग सीमेंट, और सीमेंट के बाद 6 गमेला भर के रेती। और वो जो आपके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये मशीन चल रही है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है लेबर की, जिसमें हम सुबह शाम लेबर लाते हैं। और ये वो मशीन के सामने वो देखिए, वो वहाँ पे आगे आपको नज़र आएगा, वो डॉक्टर फिक्सिट पड़ा हुआ है, वो जब ये मशीन में माल तैयार हो रहा है तब उस मशीन में डाल रहे हैं, तो उससे क्या है पानी लीकेज नहीं होता है छत में। वो जो डॉक्टर फिक्सिंग, जो इंजीनियर हमको फार्मूला देता है कि भाई आप 1 कट्टे सीमेंट का लोड इस मशीन में बना रहे हो तो उसके हिसाब से 1 ग्लास भर के छोटा सा, यानी कि आधा लीटर डॉक्टर फिक्सिंग इसमें डाल रहे हैं, आधा लीटर से थोड़ा और कम, यानी कि मान लो आप 400 मिलीग्राम उसमें डाल रहे हैं। जैसे छत में गिटी भर रहे हैं वो नीचे से माल बन के तैयार आ रहा है, तो 2 इंची आपको इस पर माल चढ़ाना पड़ता है। तो 2 इंची माल चढ़ाने के बाद अब इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये 2 इंची माल चढ़ाया जा रहा है इसके ऊपर। माल चढ़ाने के बाद इस पर आपको आगे कुछ भी नहीं करना है। गिट्टी जो नीचे से माल बन के तैयार होके आ रहा है वो एकदम रबड़ी जैसा माल आ रहा है, एकदम नरम और सॉफ्ट माल आ रहा है। ये देखिए, इस क्वार्टर पर ये गिट्टी कर रखी है, बस ये गिट्टी करके आप छोड़ दीजिए, आपकी 100% गारंटी है कि आपके कभी छत में पानी लीकेज नहीं होगा। वरना लोग क्या बारिश के टाइम में छतों पर मार्बल लगवाते हैं, कोई पत्थर लगवाते हैं, कोई टाइल्स लगा के पानी रोकने की कोशिश करता है, मगर वो एक अलग तरीके का, उसमें वो 1000 फीट छत के ऊपर आपके अगर मान लो 50,000 का खर्चा हो रहा है, उसमें आपको मार्बल भी खरीदना पड़ेगा या फिर टाइल्स खरीदनी पड़ेगी, सीमेंट जाएगी, रेती उसमें डालनी पड़ेगी, फिर जो लगाने वाले की मेहनत है उसको भी, वो भी आपको उसको देनी पड़ेगी। मगर ये जो प्रोसेस आपके सामने चल रहा है ये उससे जस्ट आधी कीमत में होता है। अगर मान लो 1000 स्क्वायर फीट में आपका मकान बना हुआ है, उसका खर्चा आपके 50,000 आ रहा है वो मार्बल लगाने के से पानी रोकने का,
तो ये खर्चे आपके जो आएगा ये सिर्फ 20-15 हज़ार के बीच में आएगा, मतलब ये आधे खर्चे में हो रहा है और मजबूती हो रही है लाइफ टाइम के लिए। वो तो वापस धूप में क्या मार्बल निकल जाता है, मगर ये धूप में नहीं निकलेगा, और ना ही कभी सीमेंट का गोला करवा तो सीमेंट का गोला क्रैक हो जाता है, मगर ये एक ऐसी चीज़ बन के तैयार हो रही है जिसमें आपको कभी भी कुछ भी नहीं करना है। जो अभी ये गिटी डाल रही, गिटी क्या रफ होती है तो वो धूप में निकलती नहीं है, तो ये तकरीबन 15-20 अगर ये काम होता है तो 25 साल इसमें देखने का काम नहीं है। तो बारिश के सीज़न में हर घरों में ये तकलीफ रहती है कि जो नए मकान बनाए वो तो सेफ्टी से बनाते हैं, मगर जो 25 साल या उससे ज़्यादा पुराने मकान है, 10 साल से पुराने मकान है, उन मकानों पे क्या है कि पानी लीकेज होता है और बारिश के मौसम वो क्या अंदर के सरिये जंग खा जाते हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप भी अगर अपने मकान के छत के ऊपर अंदर पानी लीकेज हो रहा है तो आप सबसे पहले ये काम करिए, और चैनल अच्छा लगे तो इसके वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़े और बहुत सारे वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।